हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन गोयल एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 8 ऑफ क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। राइट, देखो आज अपन पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट दो तरीके का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखो सिंपल इंटरेस्ट हमने पहले पढ़ रखा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि हमने मान लो किसी से पैसे बोरो किए, उधार लिए, तो उस पर कुछ रेट के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज लिए फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कितना पे करना पड़ेगा, 10%, 100 का कितना होता है 10 रुपये, 1 साल के 10 रुपए, तो 2 साल के 20 रुपए, सिंपल। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि फॉर फर्स्ट ईयर अलग निकालेंगे, तो फॉर फर्स्ट ईयर आपको कितना पे करना पड़ेगा, 110। अब अगले ईयर के लिए जो 10% निकाला जाएगा वो इसका निकाला जाएगा, ना कि 100 का। सिंपल इंटरेस्ट में तो अपन सिंपल ही करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में अपन इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला था PRT/100। यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे। तो डिड्यूसिंग अ फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, डिड्यूसिंग अ फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट को अपन क्या बोलते हैं, सिंपल SI, SI इज फॉर सिंपल इंटरेस्ट, है ना, और CI इज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। राइट, तो फॉर्मूला होता है ए अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1+R/100 रेस्ट पावर एन। ए इज इक्वल्स टू 1+R/100 इंटू रेस्ट पावर एन। ठीक है, आर क्या है रेट, पी क्या है प्रिंसिपल वैल्यू, और एन क्या है जितने इयर्स के लिए आपने उसको बोरो किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इस प्रकार होता है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1,260 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली मतलब एनुअली लगेगा। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली ही लगेगा। तो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, 1+ रेट कितना है 10/100 रेस्ट पावर 2। ठीक है, कर लेंगे, देखो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ये कैंसिल हो गया, 1,260 1+1/10 रेस्ट पावर 2, तो दिस कैन बी रिटन एज 1,260 11/10 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1,260 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ठीक है, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 121 इंटू 126 विच इज 15246। तो रुपीज कितना आ गया, 15246। ठीक है, तो ये अमाउंट है जो आपको पे करना पड़ेगा। अगर वो पूछता कि इंटरेस्ट कितना लगा है, तो इसको अपन प्रिंसिपल वैल्यू, इसमें से अपन प्रिंसिपल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है, ठीक है, कर लेंगे ना, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज रेट कंपाउंडेड एनुअली। देखो यहां पे एनुअली था, और कभी कभार कम रेट जो है वो कंपाउंडेड होती है हाफ ईयरली, है ना। तो लिखते हैं रेट कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली, ईयरली हाफ ईयरली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन समझ में आएगा। राइट डाउन व्हाट अमाउंट इज टू बी
repaid on a loan of rupees 12,000 for 1.5 years at 10% per annum. compounded half yearly. ठीक है, हाफ ईयरली ना, हाफ ईयर के पे वो क्या होगा, कंपाउंड होगा. ठीक है, अच्छा हाफ ईयरली पे हो रहा है तो हम इसमें ये देखते हैं. देखो तीन हाफ ईयर्स होंगे, वन एंड हाफ ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स होंगे, तीन हाफ ईयर्स. ठीक है, अच्छा अगर 10% है एक साल की, तो हाफ ईयर के रिस्पेक्ट में निकालनी है अपने को, तो कितनी परसेंट हो जाएगी, 5% फॉर हाफ ईयर. ठीक है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, पी इज 12,000 इंटू 1 प्लस आर इज 5/100 और एन का वैल्यू 3, क्योंकि 3 हाफ ईयर आ रहे हैं, हाफ ईयर आ रहे हैं यहाँ पे. तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000, ये कितना आ जाएगा, 21/20 रेस्ट पावर 3. तो 12,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20. ठीक है, तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो दिस इज रुपीज 13,891.50. ठीक है, मल्टीप्लाई करके इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, कर लेंगे ना, कर लेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मूला. ठीक है, सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग इज सम एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला. ठीक है, ठीक है, कैसे अपन उसको एप्लीकेशन में लेते हैं. ठीक है, तो अपन किसे सीखेंगे चीज, क्वेश्चन करके. तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन इज अ टीवी वाज बॉट, अ टेलीविजन वाज बॉट एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 21,000 आफ्टर वन ईयर टीवी द वैल्यू ऑफ द टीवी वॉज डिक्रीज बाय The value of the TV was decreased by 5%. Find the value of the TV after 1 year. Find the value of TV after 1 year. ठीक है, एक साल बाद उसका वैल्यू क्या होगा. तो 5% डिक्रीज हो गया, तो इसका 5% निकाल के उसको हमने डिक्रीज कर दिया. तो यहां पे तो एक ईयर था, तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं यूज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा. अगर दो ईयर होते तो अपन कंपाउंडली करते. क्यों, क्योंकि अब जो डिक्रीज हुआ उसका 5% लगेगा अगले दूसरे साल के लिए, क्योंकि पहले अमाउंट कुछ था, फिर वो डिक्रीज हो गया, फिर अगले ईयर के लिए वो 5% जो डिक्रीज हुआ है उसका लगेगा. तो फॉर दिस क्वेश्चन डिक्रीज्ड अमाउंट is 5% of 21,000. So it is 5/100 into 21,000. So it will gives 1,050. इतना amount decrease हो गया. तो value of TV after one year क्या होगा, 21,000 में से हमने 1,050 सब्ट्रैक्ट कर लिया. तो कर लेंगे इसको सॉल्व, कर लेंगे, इट विल बी व्हाट, 19,950 कर लेंगे. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है.
ठीक है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज हैं उसको आप कर सकते हैं, तो उनको बिल्कुल करें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 विच इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, अब उसी चीज को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।